अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीखकर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पर मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चाहे हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज आप सभी लोगों के लिए नया क्या है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, एक ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के लिए निकाल करके लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक पे आज तक किसी वीडियो मिक्सिंग वाले ने जानकारी नहीं दी थी और ना ही किसी ने बताई है और ना ही किसी के दिमाग में ये चीज था। आज का ये वीडियो देख करके आप लोग चौंक जाएंगे और आप लोगों को आज एक बहुत बड़े परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है, और वो है फुटेज कटिंग में आने वाले जर्क की प्रॉब्लम। फुटेज कटिंग करने के बाद जब आप प्ले करके देखते हैं और बार बार उसमें आपको झटका और जर्क मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार इस वजह से कैसेट वापस भी आए हैं। अगर आपके कैसेट भी वापस आए थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इन्हीं सब परेशानियों को देख करके और इन सब समस्याओं को समझते हुए मैंने इस पे एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताना जरूरी समझा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, मैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं जिस पे कोई भी एडिटिंग वाला नहीं बनाता। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिस ट्रिक को अपना करके हम फुटेज कटिंग के जर को खत्म कर सकते हैं। जब हम टाइमलाइन पर रख करके उसको कंप्लीट एक 25 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट का रेंडर करके फुटेज कंप्लीट करते हैं शादी को एडिट करने के लिए या फिर कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो हमने अक्सर ये देखा है कि वो जो फुटेज हम तैयार करते हैं वो झटका देता है। झटका क्यों देता है? क्योंकि हमें चाहिए 40 सेकंड का, और जितने भी फोटोग्राफर जो वीडियो को शूट करके लेके आते हैं हमारे पास, वो कंप्लीट एक लेंथ 40 सेकंड का कभी भी ना तो गर्ल का, ना बॉय का, ना कपल का वो लेकर के आते हैं। हमें करना क्या पड़ता है? हमें टाइमलाइन पर रख करके उसको मल्टीप्लाई यानी कि कॉपी पेस्ट करके और 40 सेकंड की टाइमिंग देकर के हमें उसको करना पड़ता है एक्सपोर्ट। और वहां पर जब हम एक्सपोर्ट करके उसको निकालते हैं तो जितने जगह जोड़ रहते हैं उस हर जगह पे वो झटका देता है। आज हम इन्हीं सब चीजों के विषय में बात करेंगे और सीखेंगे कि फुटेज को हम कंप्लीट किस तरीके से कटिंग करेंगे कि बिल्कुल झटका नहीं देगा। मेरा यह दावा है दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लिया तो आपके कटिंग किए हुए फुटेज को दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो पकड़ करके ये बता दे कि यहाँ पे इसका जोड़ है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हम किस तरीके से फुटेज को कटिंग करेंगे टाइमलाइन पे कि हमारा क्लिप झटका नहीं देगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जरूरी चीज ये बता दूं कि किसी भी चैनल को, जिसको भी आप वॉच करते हैं हमेशा, चाहे वो मेरा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, टेक्निकल वीडियो कोई भी बंदा बनाता है, अगर आप नॉलेज लेने के लिए उस चैनल पे गए हैं या फिर उस वीडियो पे गए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। कई बार क्या होता है ना कि आदमी इतनी जल्दी में वीडियो को देखता है कि वीडियो देख तो लेता है पर वो पूरे तरीके से उस फंडामेंटल को समझ नहीं पाता है। तो अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, एडिटिंग की दुनिया में नाम और पैसा कमाना है, तो ट्यूटोरियल को पूरा कंप्लीट देखा करिए। 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा करके देखिए, लेकिन कभी भी पूरा देखिए। नॉलेज इकट्ठा करिए दोस्तों अपने अंदर, क्योंकि अगर नॉलेज इकट्ठा रहेगी दोस्तों तो फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि फ्री में आप लोगों को सीखने को मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि एजुकेशन कितना महंगा है आज के डेट में हम और आप सभी लोग जानते हैं। एक बच्चे का एडमिशन कराने जाइए किसी प्राइवेट स्कूल में, आप देखिए क्या भाव का पड़ता है। तो यहाँ तो फ्री में मिल रहा है फिर भी लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। अच्छी बात है, आपकी मर्जी, आप रेगुलर देखें स्किप करके देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं गुरु हूँ, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है सही रास्ता बताना, चलना और नहीं चलना आपका काम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं कि हम काम कैसे करेंगे कि हमारा क्लोजअप झटका नहीं देगा। ईडियस हमारा यहाँ पे स्टार्ट है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि मैं चलाता हूँ ईडियस का 10 लाइसेंस वर्जन, और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ईडियस का जो भी वर्जन चलाएं लाइसेंस वर्जन ही चलाएं। चलिए करते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है दोस्तों, 25 फ्रेम और 50 फ्रेम, हम दोनों पे फुटेज कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब समझ लेते हैं कि आखिर दोनों के फायदे और नुकसान क्या है। वीडियो का फॉर्मेट अगर किसी ने आपको, जिस फोटोग्राफर ने शूट करके दिया हुआ है और वो 25 फ्रेम पे शूट किया हुआ है, तो 50 फ्रेम पे फुटेज कटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आप 25 फ्रेम पे ही चालू करें। और अगर उन्होंने 50 फ्रेम पे शूट किया हुआ है तो फिर आप 50 फ्रेम पे चालू करें। 50 फ्रेम पे क्यों चालू करें? क्योंकि फुटेज कटिंग करने में कई बार हम लोगों को स्लो मोशन करना पड़ता है, और स्लो मोशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जर्क आने लगता है, तो जर्क ना दिखाई दे वीडियो के अंदर, फुटेज कटिंग किया हूँ उसके अंदर, तो इसलिए हम चालू करेंगे यहाँ पे 50 फ्रेम। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ सेलेक्टेड फुटेज यहाँ पे रखे हुए हैं एक टेस्ट नाम के फोल्डर को बना करके डेस्कटॉप पे। हम इसी को उठा करके इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, और आज मैं आप लोगों को ये क्लियर करा दूंगा कि अगर आपने इस फंडामेंटल से फुटेज कटिंग किया तो दुनिया का कोई भी बंदा ये पकड़ के नहीं बता पाएगा कि फुटेज में कहाँ पे जोड़ है। चलिए बिन पे डबल क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, टेस्ट वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करके 2-4 मैंने यहाँ पे फुटेज रखे हुए जो कि हम
बिन के अंदर इम्पोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों बारी बारी से हम सब पे अप्लाई करके सीखेंगे और वीडियो को कंप्लीट बारीकी से देखिएगा क्योंकि आप सीखने आए हैं न कि कॉमेडी देखने आए हैं, ठीक है। चलिए ये सीक्वेंस हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। यहाँ से पहला फुटेज हम उठा करके टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से ये तीनों पॉइंट को ऑन कर लेंगे, ये पॉइंट हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अगर ऑडियो के साथ रेंडर कर दिया तो ऑडियो भी बार बार टाइमलाइन पे आपके आएगा। अब यहाँ पे हम दोस्तों चेक मार्क लगा लेते हैं 25 सेकंड पे, क्योंकि मेरे ज्यादातर प्रोजेक्ट 25 सेकंड पे रहते हैं तो हम 25 सेकंड पे सीखेंगे। 40 सेकंड का अगर मैं टाइम दूंगा दोस्तों तो फिर रेंडर करके दिखाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम सीखने आए हैं तो हम समय बचाएंगे यहाँ पे। और इस फुटेज को हम प्ले करके पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा हम प्रीव्यू विंडो को और बड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें। प्ले करते हैं इसे, ये हमारा फुटेज है, प्ले कंडीशन में है बस, क्योंकि हमें चाहिए यहां तक 25 सेकंड और इसकी जो टाइमिंग है वो है 4 सेकंड 24 नैनो सेकंड। तो हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, फिर इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, फिर इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करके दोस्तों हम 25 सेकंड पे ले आते हैं। और ला करके ज्यादातर नॉर्मली जितने भी एडिटर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, इस तरीके से फुटेज कटिंग करते हैं। और कंडीशन देख लीजिए क्या बनती है, ये झटका देखिए, ये बार बार इस तरीके से झटका आता है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मैं तो स्लो मोशन कर देता हूँ, अच्छी बात है बड़े भाई, चलिए हम भी स्लो मोशन करके देखते हैं। हम करते हैं यहाँ पे स्लो मोशन, कितना स्लो मोशन कर सकते हैं हम इसको, 40% कर लेते हैं, 40 से ज़्यादा करेंगे तो इसकी कहानी खराब हो जाएगी, जर्क आने लगेगा, फिर भी हमें कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा ऐसा हमें दिख रहा है क्योंकि पूरी फुटेज यहाँ तक नहीं पहुँची है। अगर हम यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट करते हैं फिर वही स्थिति बनेगी, चलिए ठीक है, इसको हम और स्लो मोशन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 20 पे कर लेते हैं तो भी नहीं पहुँच रहा है, और 20 पे अगर आप स्लो मोशन कर लेते हैं और आपका क्लिप शूट ही किया गया है 25 फ्रेम पे तो इतना ज़्यादा इसमें जर्क आने लगेगा कि उस फुटेज का मज़ा ख़राब हो जाएगा। दूसरे क्लिप पे अगर हम चेक करें दोस्तों तो सेम वही कंडीशन है इसमें भी, ये आप देख पा रहे हैं, इसको अभी हम कॉपी पेस्ट करके इसको हम 25 सेकंड पूरा कर लेते हैं। अगर हम प्ले करते हैं तो इस तरीके से हमारा बार बार जो फुटेज कटिंग किए रहेंगे वहां पे झटका देता है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा और इसका सोल्यूशन अगर उनके दिमाग में नहीं था, नहीं जानते थे और प्रॉब्लम उनके सामने बनी रहती थी तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से एक क्लिप को डिलीट कर देता हूँ और इसका स्लो मोशन मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 50% पे स्लो मोशन कर रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तरीके से, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ टाइमलाइन का लेंथ, ये हमारा झटका है। पहले वाले क्लिप को हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे और बाद वाले क्लिप को जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है इसको हम अल्ट प्लस ई दबा करके अपना स्लो मोशन वाला विंडो फिर से ओपन कर लेंगे। ये विंडो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से, और यहाँ पे ये सारे चेक मार्क आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चेंज द क्लिप ड्यूरेशन वाले पे ये लगा होना चाहिए, यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाले पे ये लगा होना चाहिए, बाकी यहाँ पे और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है चेक मार्क का। दूसरे वाले क्लिप को जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है अल्ट ई के मदद से स्लो मोशन, दूसरे वाले क्लिप पे क्या करना है, ये जो फॉरवर्ड वाले पे चेक मार्क लगा हुआ है इसको हमको बैकवर्ड वाले पे करके ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लिप को फिर से हम कर लेंगे कॉपी और उसके आगे कर देंगे पेस्ट और फिर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि कॉपी है ये, ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम टाइमलाइन कर देते हैं शुरू में, मैंने फुल डिस्प्ले कर दिया दोस्तों और मैं यहां से प्ले कर देता हूं और आप अपना नजर बिल्कुल डिस्प्ले पर रखिए, इसका जोड़ जो है वो कहां पे है, इसका झटका कहां पे है, ध्यान दीजिए। और अगर आपको झटका कहीं पे दिखता है तो आप बताइए कि हां सर यहां पे झटका है, आपको कहीं भी झटका नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ हो गई। हुआ गाइस, इसमें ये एक क्लिप सीधा चल रहा है और दूसरा क्लिप इसके रिवर्स में चल रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। क्लिप मेरी पूरी खत्म हो गई 25 सेकंड की, आप देख लीजिए और कहीं भी आपको झटका नहीं मिला। चलिए नहीं समझ में आया दोबारा फिर करके मैं आपको दिखाता हूं, ये एक फुटेज में लगा लेता हूं, थोड़ा सा इसको छांट उट करके मैं सही कर लेता हूं। फुटेज कभी भी कटिंग करिएगा दोस्तों सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जितना जो पोर्शन बढ़िया है बस वही पोर्शन आपको दिखाना है, जो खराब पोर्शन है जो बेकार है उसको आप कट करके डिलीट कर लेंगे। दोस्तों ये मैंने आगे और पीछे का डिलीट कर लिया अल्ट ई के मदद से, यहाँ पे मैं स्लो मोशन कर लेता हूँ 50% पे, आप 40% पे भी कर सकते हैं। प्ले करके हम देख लेते हैं इसको, ठीक है।
और क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिर कॉपी करके कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये हाईलाइट है, इसी कंडीशन में हम अल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे और ये जो फॉरवर्ड पे लगा हुआ है इस चेक मार्क को हम बैकवर्ड पे लगा देंगे, ओके कर देंगे। अब ये हुआ क्या कि एक क्लिप तो हमारी सीधी चल रही है पर दूसरा क्लिप जो है वो रिवर्स में हो गया है, उल्टा हो गया है, ठीक है। और इसको हम फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके 25 सेकंड तक हम पूरा कर देते हैं और फिर हम आपको बड़ा करके इसको प्ले करके दिखाते हैं और फिर आप डिस्प्ले पर नज़र बनाइए और जर्क कहाँ पर है क्लियर करके आप हमें दिखाइए, ठीक है। यहाँ से बैक हो गया, अब जर्क खत्म हो गई दोस्तों, इस फंडामेंटल को पकड़िए, ठीक है, ये जर्क हमारी खत्म हो गई। जबकि मैं आपको बता दूं अगर आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी कंडीशन क्या आती, ये देख लीजिए, ये आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अगर, तो ये इसकी कंडीशन थी, ये देखिए, बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखिए, ये जो झटका है ये नॉर्मली आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो यही कंडीशन आपकी बनती थी जिस फंडामेंटल पे आज तक आप काम करते चले आए थे, ठीक है। पर हमने क्या किया, हमने इस क्लिप को कर दिया जस्ट रिवर्स, ठीक है। इन दोनों को हम पेस्ट कर लेंगे अब, क्योंकि एक फॉरवर्ड पे है और एक रिवर्स पे है, हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। जोड़ पे हमारा कर्सर चल रहा है इस समय, ब्लेड वहां पर आप ध्यान दीजिए, चलिए ठीक है, बढ़िया है, मजा आया देख करके, सीखते हैं कुछ और, एक क्लिप और उठाते हैं, जैसे क्या है, ये ब्राइड का एक वीडियो है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए हमको इसी का क्लोजअप निकालना है, ये देखिए ये झटका, आप ये यहाँ पे ये झटका, हम क्या करेंगे इसको स्लो मोशन अगर करके आप क्लोजअप कटिंग कर रहे हैं 50% पे स्लो कर लेंगे हम, इसमें से जबकि मैं चाहूं तो इसको कटिंग करके हटा सकता था पर हटाऊंगा नहीं, मैं इसी को सही करके आपको दिखाता हूं, कॉपी टू पेस्ट कर दूंगा और अल्ट ई की मदद से मैं यहां पे स्लो मोशन वाला विंडो खोल लूंगा और फॉरवर्ड वाला चेक मार्क बैकवर्ड पे लगा करके ओके कर दूंगा और कॉपी पेस्ट करके 25 सेकेंड से ऊपर चला जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं इसको, यहाँ पे झटका खत्म हो गया दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक ऐसा नॉलेज है दोस्तों जो आपको अभी तक YouTube पे किसी ने बताया नहीं था। तो अगर ये थ्योरी और अगर ये फंडामेंटल आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने WhatsApp ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर 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 करिएगा ताकि बाकी सारे लोगों को ये जानकारी मिले और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े और मिक्सिंग की दुनिया में नाम कमाए और पैसा कमाए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आकर के इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे वीडियो मिक्सिंग से संबंधित ऐसे कंटेंट मिलते हैं जो दूसरे किसी भी चैनल पे नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार और नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।